मरीन नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपनी तकरीर में फौज को ललकारा, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बेटा, उन्होंने जो भी ललकारा या किया वो बहुत ज्यादती है, मैं यही कहूँगा। मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, बड़े बड़े लफ्ज़ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये बड़ी ज्यादती है। और जिस किसी ने फौज को ललकारा है उसको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन ललकारा, मुझे उस दिन ही पता था कि उसके पिछले चार दिनों में 20 फौजी शहीद हुए थे, अफसर और जवान इस मुल्क की खिदमत करते हुए। तो ये सारे बेटा जो इन्होंने लूटा हुआ है उसको बचाने की कोशिश है। अभी ये इंतहा को पहुँच रहे हैं, आप अंदाज़ा करें। अभी उसके जो वालिद साहब हैं उधर है इंग्लैंड में, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब, तो उनसे अभी पूछें, जी आपका अरबों रुपए का घर है, बेटे तुम्हारे यहाँ हैं, तुम यहाँ भागे हुए हो, सजा याफ्ता मुजरम हो, इंग्लैंड में भागे हुए हो, और तकरीरें तुम फौज के खिलाफ और बाकियों को लड़का रहे हो। भाई इधर आओ, वापस अदालत में पेश हो, अपना केस लड़ो, अपनी सफाई करो। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया, मनी ट्रेल नहीं बता सके कि कितने पैसे उन्होंने यहाँ से ले गए। अभी आप देखें ना जिस तरीके से वो क्या होता है, जो अभी शहबाज शरीफ का वो निकल रहा है टीटीज, अपने नौकरों के अकाउंट और बाकी जितने हैं, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। बाकी करेंगे कि ये हो गया जी, हम जमहूरियत बचाने आए हैं। अच्छा भाई, ये जमहूरियत बचाने आए, पहले जमहूरियत जो चल रही थी या है, आपको सारा इलम है। तो ये बेटा, मैं अपनी फीलिंग तो आपके सामने नहीं बता सकता क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो उसे बड़ा कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ज़रूर मैं इतना कहूँगा कि ये उसे एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए जो भी वो बात करे, कि भाई ये मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। तो अभी ये जो गुजरा वाला में इनका जलसा हुआ और उसके बाद कोयटा का, तो इनके क्या नतीजे निकले? देखिए बेटे, वो तो कोशिश कर रहे हैं अफरा तफरी फैलाने की, मुझे तो सिर्फ यही नतायज नज़र आए। तो लेकिन ये सारी जमातें लगी तो हुई हैं, वो चूँ चूँ का मरबा इकट्ठे हुए हुए हैं, लेकिन सबकी सोच डिफरेंट है, मिशन डिफरेंट है, ये कभी भी इकट्ठे चल के कहीं पहुंच नहीं सकते। इन्होंने बिखरना ही बिखरना है। गुजरांवाला जलसा जो हुआ तो आपने देखा क्या इन्होंने बातें की, गुजरांवाला जलसा हुआ, जनरली जलसा हम भी करते रहे हैं, अभी इंदा भी शायद करेंगे, तो हम जल्दी 10-11 बजे ख़त्म कर देते हैं। तो 11 बजे तक तो मौलाना साहब पहुँचे ही नहीं थे, क्योंकि मेरे हलके से सारा गुज़र के आना था, मैं एक एक मिनट की तरह मुझे बता रहे थे जब भी किधर है फलां किधर है। तो मौलाना साहब फिरोजवाला से गुजरांवाला जलसा में 2.5 घंटे में पहुँचे, कोई रश नहीं था, ना उनको कोई रोकने वाला था। मेरे अपने ख्याल में वो खुद ही कहीं रुक जाते होंगे और इंतज़ार करते होंगे, या उनके मकसद मुझे नहीं पता क्या, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो अगर सारे लोग इस तरह लगे हुए हैं, अभी आज ही बयान आया है उसका anyway, तो बिलावल का कि जी मैं हो सकता है पेशावर वहाँ क्वेटा ना जा सकूं, और मैं वो पता नहीं वीडियो शीडियो जो भी है उस पर करूं बोलूं। आर्मी चीफ से बात जो हुई है वो है जो उन्होंने फ्रॉड बनाया हुआ है कि जी हमारा IG वो चला गया था, ये उसने फ्रॉड 2 साल पहले भी किया था। रात वावड़ा साहब बता रहे थे पेपर कि जी ये कोई नई बात नहीं है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसीलिए आर्मी चीफ ने उनसे बात करके खुद इंक्वायरी कोर कमांडर से कह के करो कि भाई ये क्या वाक्य है। ठीक है, मगर कोई ले गया है, भाई पुलिस है, IG FIR क्यों नहीं दर्ज कराते, उसकी इंक्वायरी हो, पता चले कि भाई बात क्या है। बाकी अभी इंक्वायरी होगी, चीफ ने ऑर्डर कर दी है, तो फिर पता चल जाएगा सब लोगों को कि हकीकत क्या है। पर मुझे इसमें कोई नेक नीति नहीं लगती। सर, अभी खान साहब ने ये बात की कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, जब कोरोना इतना फैल रहा है तो उन्होंने जलसे की इजाज़त कैसे दी, क्योंकि जलसे में SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हाँ, बात आप सही कह रहे हैं, अगर फ़र्ज करो वो इजाज़त नहीं देते तो क्या होता, अफरा तफरी होती। ये सारे कहते जी हमसे डर गए, इन्होंने ये नहीं करने दिया, और उन्होंने कहा ठीक है ये लिमिट्स हैं, आप ये करें और ये ना करें, तो आप जलसा कर लें। लेकिन वो किसी भी फॉलो नहीं किया। गुजरांवाले में इसी तरह हुआ,
कराची में ऐसे हुआ, एंड आई एम पॉजिटिव कि क्वेटा में और ज़्यादा होगा। लेकिन अब हमारा जो कंट्रोल करने का तरीका था पीटीआई का, जो खान साहब ने कहा है, वो आपने देखा, सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, यूनाइटेड नेशन ने, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। मैं खुद कोरोना में फंसा, एक महीना मैं हॉस्पिटल रहा, अब मुझे ठीक हुए 3 महीने हो गए। लेकिन ये ऐसी जलील चीज़ है कि मैं अभी तक कमज़ोर फील कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं केयरफुल हूँ, मैं हर वक्त वो पहन के निकलता हूँ, और जो जो भी इंस्ट्रक्शन हैं उनके मुताबिक, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ कि हाउ डैमेजिंग इट इज़, और ये तो बचना चाहिए। सारी दुनिया इसकी लहर में है, अभी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होंगे, बेरोज़गारी होगी, लोग कोरोना की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, कुछ और गड़बड़ हो रही है, पोल्ट्री उसमें बहुत, अभी आपको 6 महीने बाद उसका इफेक्ट पता चलेगा, अभी नहीं। अभी तो उन बेचारों का जो स्टॉक था वो मजबूरन वो स्टॉक निकाल रहे हैं सस्ता, अब इसके बाद ना कहीं बाहर से सप्लाई आएगी पेरेंट स्टॉक की, ना आपको आगे मुर्गी मिलेगी और ना कुछ और होगा, और अंडों की भी शॉर्टेज हो गई। ये हमारी गवर्नमेंट को बल्कि अभी से सोचना चाहिए, अभी से मैयर लेने चाहिए कि ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है इसको कैसे खड़ा करना है। बिल्कुल लहर आ रही है, इसलिए इजाज़त तो आपको पता ही है क्यों दी गई है जी। सर, अभी जो आपकी हुकूमत को 3 साल पूरे होने वाले हैं, और इन 3 सालों में हमने मुसलसल जो है बहरान ही देखे, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, और कभी गैस का बहरान, तो क्या ये इन 3 सालों में इन बहरानों पर काबू नहीं पाया, आगे नहीं? देखें बेटा, आप पहले तो ये सोचें कि ये बुरान पैदा करने वाले कौन हैं। बुरान पैदा करने वाले सारे सारी बिजनेस इंडस्ट्री हर चीज उनके कब्जे में है, और फिर यहाँ वो 25 साल हुक्मरान रहे हैं, और मुझे कोई कैमरे के उप सामने कहने में ये इज्जत नहीं, वो शर्म नहीं आती कि हमारी ब्यूरोक्रेसी अभी तक उनके गुलाम है। ब्यूरोक्रेसी में सारे आ जाते हैं, हाँ पुलिस हो, दूसरे हो, और वो सारे, और वो गवर्नमेंट को सही तरीके से नहीं चला रहे। मैं बिल्कुल बांगे दल कह रहा हूँ, मेरी लीडर अपने से भी बात हुई है, मैंने उनको भी कहा है, हम सब कहते हैं कि भाई इसको पहले कंट्रोल करें, और वो इसमें शामिल है। अभी चंद दिनों में आप देखेंगे कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा ये जिन्होंने ऐसे किया है, तो उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे जो इनकी मदद कर रहे हैं, और बाकी जो हैं वो जिस तरह भी कर रहे हैं। खान साहब पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाह रहे थे, हाँ। और अभी कराची की ये हालात हैं कि आए रोज धमाके होने, कल भी एक धमाका हुआ, आज सुबह में एक धमाका हुआ, तो इस हालत में ये रियासत मदीना कैसे बनाएंगे? देखें बात यह है, मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ कि हम सबको ख्वाब देखने चाहिए, जब तक ख्वाब से मैं मुराद है सोचना। अब अगर ख्वाब आप नहीं देखेंगे तो आप कैसे पहुंचेंगे कहीं? उनका एम है कि यार मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊं, तो वो उस तरफ गामजन है, लगे हुए हैं। एक दिन में मुझे ये बताएं, रियासत मदीना कैसे बनी थी? 11 साल 10 साल तो रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, इतनी बड़ी हस्ती, मक्का में कितने लोग उनके फॉलोअर थे, फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत की, मदीना आ गए, और उसके बाद जो तकलीफ़ें आईं, जंग बदर हुई, ओहद हुई, और वो सारे, क्योंकि मैंने वो डिटेल में पढ़ी हुई है एज ए सोल्जर आल्सो, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या तकलीफ़ें थी और क्या, और फिर रियासत मदीना आई वजूद में। और लेकिन रियासत मदीना में जब वजूद में आई, उस वक़्त कौन लोग थे रसूलुल्लाह के साथ? उनके सारे सहाबा, और वो लोग ट्रेंड, और जिसको जो उनके एक हुक्म पे हर काम करने के लिए तैयार थे, वो कहते थे तो वो इसी तरह था जैसे अल्लाह का हुक्म है, वैसे एक्चुअली भी नबी का कहना अल्लाह का हुक्म ही है, आप उन तरह से कहते नहीं। अब वो लोग बेटा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग होते होते भी पता नहीं कितना अर्सा लगेगा, और इसलिए जो वो कह रहे थे रास्ते मदीना बनाना है, बिल्कुल बनाना है। लोग कहते हैं जी बड़ा मुश्किल काम है, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रियासत मदीना बने,
जहाँ के इंसाफ मिले, जहाँ कोई भूखा ना सोए, जहाँ किसी को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है, ऐसी है, जहाँ लोग खड़े होकर हज़रत उमर से भी पूछ सकें कि जी ये आपने इतना कपड़ा कहाँ से ले लिया, आप मुसलमान हैं, पढ़ा होगा ना कहीं, अब मैं उसमें नहीं जाता, तो वो उसमें फिर बड़ा टाइम लगता है। तो अभी जो लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स एक हफ्ते से यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी आवाज़ सुनने कोई भी नहीं गया, इवन कि उन लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स को रोका जा रहा है कि वो यहाँ पे ना आए, आवाज़ ना उठाएं, इसके पीछे कौन है? वेल आई डोंट नो कौन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी कर रहे हैं, अभी इन्होंने किसी को लगाया उस पर, और ज़रूर कर रहे होंगे, ये नहीं मैं मान ही नहीं सकता, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, शायद उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे, शायद इनकी आपस में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है। ये कोरोना आया ना तो मैंने अपने बच्चों की मदद से, और एक मेरे हलके में साहब हैं, उनका नाम है रफ़ीकुल हसन साहब, उनकी मदद की से मैंने तकरीबन 90 लाख का राशन जो डिज़र्विंग इनके इफेक्टेड लोग थे उनको हमने तकसीम किया, और उसी तकसीम में एक जफ़ी में मुझे कोरोना हो गया, होता है ना मिलते हैं सारे, तो मैं बीमार हो गया। तो आप देख लें, शायद ही आपको कोई इंडिविजुअल ऐसा नज़र आएगा मेरे जैसा गरीब आदमी जो जनाब 90 लाख का राशन तकसीम करता है इस तरीके से। उसके बाद जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मैंने जो अभी तक काम किया है अभी तक वो है ये कि इसमें हमारे वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा और हमें साफ पानी नहीं मिलता। शहबाज शरीफ साहब ने अरबों रुपए लगाए, ज़ाया किए और लाहौर को साफ पानी नहीं दे सके, ऐसी बात है। उसके बाद हमारे गवर्नर साहब हैं, वो बड़ी नेक नीति से काम कर रहे हैं इस पर, और इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है और अल्लाह में उन्हें कामयाबी भी देगा। मेरी उनसे 1 साल पहले मुलाकात हुई थी पहले, और मैंने इस सब्जेक्ट पे उनसे बात की थी, उनका ख्याल बड़े थे कि ऐसे कर लेंगे ये हो जाएगा, तो मैंने कहा जनाब ठीक है, चूंकि हम पीटीआई से हैं हम जानते हैं एक दूसरे को खुला, तो मैंने कहा जनाब ये मेरे पास फार्मूला है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन पाकिस्तान की गांव में रहती है। मैं कहा जब कभी भी आप भी सुनते हैं साफ पानी साफ पानी, तो सोचते हैं अच्छा जी वो क्या है जी फिल्टर प्लांट लगा दें ये लगा, और सिर्फ शहरों को सोचते हैं। मैं कह यार 70% आबादी गांव में रहती है, उनका कोई नहीं सोच रहा। मैंने उस 70% आबादी का सोचने का सोचा और मैंने अपने हलके में ये काम शुरू किया। लकीली आई वॉज वेरी लकी कि मेरे पास 3 खूबसूरत जवान पीटीआई के जिन्होंने एक एनजीओ का बनाया हुआ है सिर्फ साफ पानी का अपने जज्बे से, तो वो मेरे हथे आगे कहीं मुझे पता चल गया, और हम सब ने मिलके ना मैंने कहा जी हम अपने हलके को तो कम से कम साफ पानी दें, तो हमने नारोवाल साइड पर जो ज़िला शेखुपुरा ख़त्म होता है वहाँ से शुरू किया। अभी तक मैं 110 गाँव में साफ पानी के, ये लिखा होगा डीप वाटर पंप्स, ये लगवा चुका हूँ। ये हमारा डिज़ाइन है, पीटीआई का डिज़ाइन है उन बच्चों का, और ये इतनी उम्दा चीज़ है। हम 500 से 7 फुट 100 फुट गहरा जाते हैं, साफ पानी आता है, टेस्ट कराया है, WHO स्टैंडर्ड से बेहतर है। मेरे अपने भाई 20 साल से वो पानी पी रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, उधरी से लेते हैं हमारी मस्जिद के साथ। मैंने किया ये हर गाँव में मस्जिद के नज़दीक लगाओ, सारे लोग आते हैं। इसका ख़र्चा क्या है, तकरीबन बिजली का 1000 से 1200 रुपया महीने का, तो वो तो जो मस्जिद की कमेटी है या और लोग वो दे देते हैं। इसकी कैपेसिटी 11000 लीटर पर डे, जो कि एक फिल्टर प्लांट की है। बच्चे आते हैं या बच्चियां औरतें मर्द वहाँ बाल्टी भर के ले गए, पूरा गाँव खाता पीता ये पानी, पकाने के लिए नहाने के लिए जो घर में नलका, किसी पार्लियामेंटेरियन ने किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने अभी तक ये काम नहीं किया पूरे पाकिस्तान में। आई चैलेंज,
वो कौन कर सकता जो सोचता है यार इस गरीब की कि सिर्फ मुझे साफ पानी नहीं चाहिए, इसको भी ज़रूरत है। अब 110 गांव में लगाया है, मैंने तकरीबन इस पर 2,60,00,000 रुपए लगाए हैं, किसी से एक देला नहीं मांगा, ना मैंने गवर्नमेंट से कोई पैसे लिए हैं अभी तक और ना मैंने अपनी जेब से ज़्यादा लगाए हैं। ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरी बीवी है, उन्होंने मेरी मदद की है, और अल्लाह के बड़े बंदे हैं जो चाहते ही नहीं कि उनका नाम ज़ाहिर हो, उन्होंने मेरी मदद की है। और मैंने तकरीबन 2,60,00,000 में वो मैंने दिए हैं। अब जो वो एनजीओ दे रहा है साथ मिला रहा है पैसे, वो अलग हैं। यही पंप आप बाज़ार से लगवाएं आपको कुछ 4 से 5 लाख में मिलेगा, हम इस पर खर्च कर रहे हैं 2 से 2.5 लाख, 500 से ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो तो 2 लाख, जो ही गहराई बढ़ती जाती है फिर खर्चा वो एफर्ट और वो बढ़ती है, तो इसलिए ज़्यादा है। तो अभी मैं 110 गांव में दे चुका हूँ, जो हमने पंप लगाए हैं वो हैं तकरीबन 130, क्योंकि बड़े गांव हैं, किसी में 2 किसी में 3 देने पड़ते। मुझे अभी पिछले हफ्ते गवर्नर साहब ने बुलाया था, मैं उधर गया, मैंने उनको दोबारा यही ब्रीफिंग दी, कहते हैं ब्रिगेडियर साहब मैं जो आपने किया यही फार्मूला है, इसको हम आगे ले कर चलेंगे। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी। अभी उन्होंने इस जुमेरात को बुलाया है मुझे दोबारा, हम जाएंगे, मेरी टीम उनको प्रेजेंटेशन देंगे, वो बड़े कीन हैं और बड़े खुश हैं, और वो भी और लोगों को भी बुला रहे हैं ताकि वो देखें, और उम्मीद है कि शायद हमें उधर से भी कोई मदद मिल जाए। मेरे गांव में हल्के में कोई 300 गांव हैं, तो मुझे कम से कम 350-400 यूनिट चाहिए, तो मैं 110 लगा चुका हूँ।